नमः शिवाय बच्चों। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में विशेषण पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या है। तो विशेषण की परिभाषा मैं बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, आकार तथा रंगों का पता चलता है, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे लाल, गोल, सुंदर, कुरूप, ईमानदार, ये सारे क्या है, विशेषता बताने वाले शब्द हैं। जैसे लाल किसी कपड़े का रंग के बारे में बता रहा है, गोल किसी कपड़े के आकार के या किसी विशेष चीज के बारे में बता रहा है। सुंदर किसी इंसान के बारे में बता रहा है, किसी चीज के बारे में बता रहा है। ईमानदार इंसान का गुण है, ये भी गुण और दोष को बताने वाले ये सारे शब्द हैं। सबसे पहले उसके बाद हम लोग जानेंगे विशेषण के कितने भेद हैं। विशेषण के चार भेद हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण के चार भेद हैं। चार भेद में से इस कक्षा में हम लोग केवल दो भेदों के बारे में ही पढ़ेंगे, जैसे गुणवाचक और संख्यावाचक। तो गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, दशा आदि के बारे में बताते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हरा, हरा क्या है, विशेषता बता रहा किसी कपड़े के, किसी चीज के बारे में, तो ये गुणवाचक विशेषण हुआ। संख्यावाचक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं, उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पांच, छह, अनेक, बहुत, तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए जो संख्या के बारे में बता रहे हैं, संख्या के विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं और कौन कौन से विशेषण हम लोग इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं, तो उनकी परिभाषा, गुणवाचक और संख्यावाचक हम लोग इस कक्षा में पढ़ेंगे, तो उसका परिभाषा उनके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और इसे अपनी लैंग्वेज की कॉपी में कॉपी करिए तथा ठीक से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए सबको नमः शिवाय, घर पे रहें और सुरक्षित रहें।